साईं मुस्कान के समस्त भक्तों को ओम साईं राम। मैं कुलदीप कुमार सक्सेना गाजियाबाद निवासी आज आपके समक्ष एक ऐसा बाबा का चमत्कार शेयर करने जा रहा हूं जिससे मैं और आप भी इस सोचने मजबूर होंगे कि बाबा ही सत्य है। मैं एक सरकारी विभाग में कार्यरत हूं और मैं कई वर्षों से कार्यरत हूं और गत वर्षों की बात ही हम यहां पे इंदिरापुरम के अंदर साईं महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी हम नौवां साईं महोत्सव 21 दिसंबर 2019 को मनाने जा रहे हैं। मीन टाइम मेरा नवंबर के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है मंत्रालय में जहाँ पे लेट सेटिंग चल रही है जिससे मैं बहुत परेशान होता हूँ। मैं अपने समिति के सभी सदस्यों को बोल देता हूँ कि अब ऐसा है कि आप लोग इस समिति के कार्य को देखो क्योंकि मैं ऑफिस में इतना लेट सेटिंग हो रही है मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। फिर भी मैं बीच बीच में अपनी समिति के सदस्यों से संपर्क में रहता हूँ और साईं महोत्सव की जो भी तैयारियाँ उनकी समीक्षा करता रहता हूँ। मैं सैटरडे हो संडे हो लेकिन कोशिश करता हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इस महोत्सव की तैयारी में लगूँ। एक दिन का दिन था सोमवार का दिन था मैं अपने मंत्रालय में पहुँचा। मेरे को वहाँ पे उपस्थित अधिकारी ने मुझे बताया कि अभी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आप अपने पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वापस चले जाओ। मैं इतना खुश हुआ क्योंकि मैं मंत्रालय में पोस्टिंग होने के कारण जो बाबा का हमारा ये सब नौवां साईं महोत्सव है इसमें टाइम नहीं दे पा रहा था और क्योंकि मैं श्री साईनाथ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने को समझते हुए सारी तैयारियों की खुद ही समीक्षा करता हूँ। उस दिन का दिन था मैं तुरंत एकदम से बाबा का आशीर्वाद लेते बाबा का नाम लेते मैं अपने ऑफिस आ गया और आज मैं पुनः श्री साईनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं सारे काम को कर रहा हूँ और बाबा के आशीर्वाद से और साईं भक्तों के सहयोग से ये आयोजन सफल होगा। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि बाबा को लगा कि मैं इतना दुखी हूँ इस प्रोग्राम को भाग न लेने के कारण और बाबा ने मुझे फिर वही अपना रास्ता दिखाया कि मैं पुराने अपने ऑर्गेनाइजेशन में चला गया और मैं पुनः साईं नाथ सेवा समिति के टच में आके वो कार्य करने लगा। ओम साईं राम।